स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे सी टेक्निकल 2.0 में। सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। BMW का ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। अच्छे तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। काफी लेंथी सब्जेक्ट है, 16-17 आपके चैप्टर है, तो ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए बताना जरूरी था, जो आप लोग जो है वहां से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर लीजिएगा और सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट करके रखा है, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइएगा। BMW, चूंकि आपको नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि एक आपका इसमें दो पोर्शन होगा, एक आपका पार्ट वन होगा और एक आपका पार्ट टू होगा। बात करें आपके पार्ट वन और पार्ट टू की, तो पार्ट वन जो है आपका बेसिक मैकेनिकल का पार्ट होता है जिससे आप लोगों के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड वाला जो पोर्शन होता है वो डबल ई का पार्ट होता है जिससे आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर वन पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर वन का क्वेश्चन है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताइए, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स आपके क्या होता है एनर्जी के, उसके बारे में आपको बताना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल के बारे में बताना है कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से आपके फ्यूल होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको निम्न को परिभाषित करना है। परिभाषा भी आप लोग की जो दी गई है वो आपका फ्यूल चैप्टर से ही है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक जो परिभाषित करने के लिए दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके BMW में बेसिक मैकेनिकल और केमिस्ट्री दोनों का पोर्शन है। क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़े होंगे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट आपको याद आ रहा होगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें से कॉमन है, वो चीज आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कार्बन सल्फर तथा नाइट्रोजन की दहन समीकरण को लिखो। नेक्स्ट है आपका कि नकल जोड़ की स्वच्छ रेखा चित्र बनाना है तथा कार्यविधि का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कार्टर जोड़ से क्वेश्चन है आपका कि कार्टर जोड़ क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। कुंजी से आप क्या समझते हैं, की को परिभाषित करना है, की के बारे में डिटेल लिखना है तथा इसके साथ ही साथ दो प्रकार की का वर्णन करना है। शाफ्ट में कौन कौन से प्रतिबल आपके कार्य करते हैं इनके बारे में आपको समझाना है। अब यहाँ तक आप देखिए टोटल आप लोग का 50 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 20 मार्क्स जो है आप लोगों का वो बेसिक मैकेनिकल से कवर होगा जो कि आपका BM है। अब बात आती है 30 नंबर के क्वेश्चन, जो मेजर पोर्शन है आपका, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है। चूंकि आपको पता है BMW मतलब होता है बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अब डबल ई के पोर्शन में क्या पढ़ना है जरा देख लीजिएगा। वैसे मैंने डबल ई के पोर्शन के बारे में तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर ली है, लेकिन हमारे कहे अनुसार आप दो चार टॉपिक को जरूर तैयार करिएगा। जैसे कि हम सबसे पहले बात बताएं तो आप लोग को जोड़ देना है पावर प्लांट पे। सबसे पहले आप किसी न किसी एक पावर प्लांट को तैयार कर ले, चाहे वो आप लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर आप लोगों का थर्मल पावर प्लांट हो, आप इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट नहीं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसी ना किसी एक पावर प्लांट के बारे में आपको पढ़ना ही है, एक पावर प्लांट के बारे में आपके 100% आती है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, बैटरी वाले पोर्शन पे, बैटरी के मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं ये, और एनी वन टाइप ऑफ बैटरी, यानी किसी एक प्रकार की बैटरी के बारे में आप कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग त्रिकला प्रणाली पे। ठीक है, एक आप लोगों का चैप्टर है थ्री फेज सिस्टम, जिसको हम लोग त्रिकला प्रणाली कहते हैं, पॉली फेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग को त्रिकला प्रणाली में हम थ्री फेज का जनरेशन किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहां से और मैं अगर आप लोगों को बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका DC सर्किट। DC सर्किट में आपसे थ्योरम पूछा जाता है। जैसे हमारे हिसाब से आपको दो थ्योरम तैयार कर लेना है, एक तो थ्योरम थेवेनिन थ्योरम और इसके साथ ही साथ आप नॉर्टन थ्योरम, इन दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ एक चीज फिक्स है कि थ्योरी आपकी पूछी जाएगी। तो थेवेनिन और नॉर्टन आप तैयार कर लीजिएगा, और अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, जिसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल आना होगा तो आपका यहीं से आएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आपका एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में क्या पूछा जाता है, तो एसी थ्योरी में जितना आपका डेफिनेशन है, ठीक है, एसी थ्योरी से रिलेटेड सभी परिभाषाएं आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ सभी परिभाषा, इसमें परिभाषा बहुत है, आपको एसी थ्योरी से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं वो सभी परिभाषाओं को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा प्योर रेजिस्टिव सर्किट से आप क्या समझते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट से आप क्या समझते हैं, अगर किसी सर्किट में आप लोगों का इंडक्टर लगा होगा तो उससे क्या मतलब है। इसके अलावा रेजोनेंस, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं होता। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से आप क्या समझते हैं, इसमें एक अलग से आपका टॉपिक आता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स से आप क्या समझते हैं, यहां से आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग का पूछा जाता है। अगला हम अगर चले तो ग्राउंडेड पावर सप्लाई, ठीक है, ग्राउंडेड पावर सप्लाई तथा फ्लोटिंग पावर सप्लाई, ये वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है आपको। अगला आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण क्या होता है, ठीक है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों बातों के बारे में आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस यही आपका पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जितने सारे स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के हैं और सेकेंड सेमेस्टर के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके तमाम सारी जानकारियां ले सकते हैं। धन्यवाद।